चैनल एन टीवी लाइव वेब न्यूज पर मैं हूं आपके साथ नवेद खान। सरधना के निवासी दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल गोपी चंद की हत्या का मेरठ पुलिस ने बेहद सनसनीखेज खुलासा किया है। खुलासा बेहद चौंका देने वाला है, आप चौंक जाएंगे खुलासा सुनकर। दरअसल मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र के पहली गांव में रहने वाले दिल्ली पुलिस के सिपाही गोपी चंद बीती 26 मार्च को दिल्ली से मेरठ आए थे। मृतक सिपाही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में तैनात थे। वे अपने गांव से बाइक उठाकर हसनापुर गए, बताया गया। उसके बाद से वे लापता हो गए। उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उनकी पत्नी रेखा ने दर्ज कराई। पुलिस ने इस हत्याकांड का बड़ा खुलासा किया है। गोपी चंद की हत्या फतेहपुर के निवासी जो वर्तमान में हसनापुर के आश्रम में रहने वाला तांत्रिक गणेश ने किया। चौंका देने वाला खुलासा यह है कि मृतक गोपी चंद तंत्र मंत्र से अपनी पत्नी की हत्या करवाना चाहता था तांत्रिक से। तांत्रिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तांत्रिक ने गणेश की हत्या का स्वीकार किया है। पुलिस की माने तो तांत्रिक ने करीब 50,000 रुपए सिपाही से पहले लिए थे और तंत्र मंत्र से हत्या करने का वादा किया। तांत्रिक ने 1.5 लाख रुपए के और तांत्रिक ने पैसे लिए गोपीचंद से, उसके बाद उसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उसके शव को, उसकी बाइक और उसके मोबाइल गंग नहर में बहा दिया। पुलिस ने आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार किया है। तांत्रिक ने हत्या को स्वीकार किया है। बड़ा खुलासा किया है मेरठ पुलिस ने। देखिए पुलिस का क्या कहना है पूरी इस घटना पर। मेरठ मित्र चैनल एन टीवी लाइव वेब न्यूज से नवीद खान की रिपोर्ट। केजरीवाल की घटना के गुम चुकी थी, उसमें क्या फेटर क्या भाई? एक दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल हैं जिनका नाम गोपी चंद था और सरधना क्षेत्र के रहने वाले थे। ये 26 मार्च को अपने घर से बिना बताए कहीं चले गए थे। इनकी पत्नी रेखा के द्वारा 30 मार्च को एक गुमशुदगी थाना सरधना पे दर्ज कराई गई थी और इनकी एक मोटरसाइकिल 12 अप्रैल को हसनापुर में गंगा नदी के किनारे से मिली थी। कयास ये लगाए जा रहे थे कि इनकी मोटरसाइकिल हो सकती है। इनकी पत्नी के द्वारा ये जानकारी दी गई कि ये किसी तांत्रिक के संपर्क में थे, तो इसमें छानबीन करने पे पाया गया कि ये गणेशानंद नाम का तांत्रिक है जो जनपद फतेहपुर का रहने वाला और हस्तिनापुर में आश्रम बना के रहता है। इसमें जानकारी और छानबीन से पाया गया कि ये हेड कांस्टेबल गोपीचंद पिछले 2-2.5 साल से इनके संपर्क में था और वो तंत्र विद्या से किसी कारण से अपनी पत्नी की हत्या या मृत्यु कराना चाहता था। तो पत्नी के द्वारा भी इसकी पुष्टि करने के बाद कल इसकी गिरफ्तारी की गई, जिसमें इसने अपना जुर्म कबूल करते हुए ये बताया गया कि इसको पैसों की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए इसने इसको 26 तारीख को 1.5 लाख रुपए लेकर के बुलाया था और आश्रम से गंगा नदी के किनारे ले जा करके इसकी हत्या करके इसके शव को और मोटरसाइकिल और उसके मोबाइल फ़ोन को गंगा नदी में डाल दिया था। उसके बाद ये फतेहपुर चला गया था जनपद। कल इसकी गिरफ्तारी हुई है और इसके खुलासे पर इसमें 302-201 का मुकदमा गणेशानंद के खिलाफ दर्ज करके इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। बाकी मोबाइल और इसके शव की तलाश के लिए टीमें लगा दी गई हैं। गोताखोर और पीएससी की फ्रंट कंपनी लगी हुई है, तलाश की जा रही है। क्या सर तांत्रिक अकेला था या कोई और भी इसका साथी साथ है? नहीं, तांत्रिक अभी तक अकेला था, वो अकेले आश्रम में रहता था और उसी के द्वारा ये हत्या किया जाना बताया गया है।